हेलो स्टूडेंट्स। सो आज के इस वीडियो में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि भारतीय डाक। ओके, तो मैंने जो पोस्ट आप पोस्ट यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें कैसे क्या करनी होती है, क्या सर्विस करनी होती है। और तो जो यहाँ पे आप टाइटल में पढ़े कि यहाँ पर भारतीय डाक पोस्ट के लिए क्या रिलीज किया गया, कैसे इस डिपार्टमेंट के थ्रू कैसे आपको पोस्ट अप्लाई करनी होगी, ठीक है। तो अभी आपने ये सारी चीज़ देखी थी, अभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन देना, मेरा काम है, मैं आपको दूंगा सारी इन्फॉर्मेशन की कैसे क्या करनी होती है। अभी जब आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने एक मतलब ये ऑफलाइन लिए अप्लाई करना होगा, पहली बात तो ये है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं कि उसके थ्रू यहाँ पर सारी चीज़ें रिलीज़ की गई है। आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी इस नोटिफिकेशन पेज में कि आपको यहाँ पर आप पोस्टल असिस्टेंस, यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, उस पोस्ट के लिए कितने लोग चाहिए यहाँ पर आपको बता दिया गया है। डिवीज़न देख सकते हैं वेर वैकेंसीज एग्जिस्ट, वो सारी चीज़ यहाँ पर आप देखने को मिल जाता है। और कौन से पोस्ट के लिए कितने लोग यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, और आपको कितना सैलरी मिलेगी यहाँ पर आपको बता दिया गया है। अगर आप चार लेवल पे आ चुके हैं, फोर्थ लेवल पे, तो आपको 25,000 रुपीज़ से ले करके 81,000 तक की आपकी सैलरी होगी यहाँ पे। अब आगे चलते हैं जो पोस्टमैन के लिए, तो पोस्टमैन के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसीज यहाँ पर सिर्फ रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पर उसमें भी पोस्ट है सोलन का और एक मंदी का, तो यहाँ पर भी एक एक करके पोस्ट है। और यहाँ पर आपको 21,000 से ले करके 69,000 तक की आपकी सैलरी होगी लेवल थर्ड पे। ओके, अब आगे चलते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ का यहाँ पर 3 वैकेंसीज और रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, जो मंडी का, धर्मशाला, शिमला, सबकी लेके एक पोस्ट। अब यहाँ पर आपको कितनी लेवल पर पोस्ट करती है, कितना 1,000 रुपीज़ फर्स्ट लेवल पे ही आपको 18,000 रुपीज़ पे करती है, और 56,000 तक की आपकी सैलरी होगी यहाँ पे। अब ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है जो आपको इम्पोर्टेंट है, आपको ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने सारी चीज़ें बता दी है। अब यहाँ पर आपको नोट्स तो ज़रूर आपको खुद से पढ़ लेने होंगे कि क्या करने होंगे, कैसे करने होंगे। ये नोट्स में लिखे हुए कि कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर दी पोस्ट के लिए, पोस्टल के लिए पोस्ट, मतलब ये सारे पोस्ट जो मैंने बताया वही सारे पोस्ट को बताया गया कि आप अप्लाई कर सकते हैं विद द टर्म एंड कंडीशन, जो भी यहाँ पर वो को उस चीज़ को देखते हुए इंस्ट्रक्शंस के क्या है उसको ऑब्जर्व करना है। एज लिमिट आपकी कितनी होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, 18 to 27 ईयर एज होनी चाहिए, वो देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एज लिमिट पोस्ट मल्टीटास्किंग के लिए यहाँ पर 18 to 25 ईयर्स के बीच में होना चाहिए तब अप्लाई कर सकेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉय के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 ईयर रेगुलर कंटिन्यू सर्विस एंड क्लोजिंग डेट रिसिप्ट। आपकी एज अप टू 40 एज होनी चाहिए यहाँ पर आपको बताया गया है। अब आगे चलते हैं यहाँ पर, तो इस तरीके से अगर आप OBC एंड SC ST कैंडिडेट्स हैं तो 3 ईयर्स का आपको जो यहाँ पर छूट मिलती है, मतलब 3 ईयर्स को 3 ईयर्स थोड़ा मतलब ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। स्पेशल अपर एज रिलैक्सेंस आपको मिलती है 5 ईयर्स के लिए। अब यहाँ पे नोट 1, कट ऑफ डेट फॉर ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंक्लूज, यहाँ पे एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। कैंडिडेट्स यहाँ पर आप देख सक, इसे इरेज कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट पोस्टल, अगर आप इस पोस्टल पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या फिर पोस्टमैन है के लिए, तो 12th पास होनी चाहिए आपकी। ओके, 12th पास से तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक पोस्ट को। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कैंडिडेट विथ हायर क्वालिफिकेशन आर नॉट एंटिटाइटल फॉर एनी वेटेज इन सेलेक्शन प्रोसेस। कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्यूटर टाइपिंग नॉलेज, आपको कंप्यूटर टाइपिंग नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे कैसे किस तरीके से आपको टाइप करनी होती है, फटाफट स्पीड भी होनी चाहिए आपकी टाइप करने की। ओके, यहाँ पर लिख के दिया गया है कि 35 to 30 वर्ड स्पीड पर मिनट होनी चाहिए इन इंग्लिश एंड हिंदी रिस्पेक्टिवली। ओके, आगे चलते हैं। इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें जानकारी प्राप्त करने होगी, सारे इंस्ट्रक्शंस पता होनी चाहिए कि इस पोस्ट में आपको क्या क्या सारी चीज़ें करनी होती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको डिस्क्राइब किया गया, सारी चीज़ें लिख करके दिया गया कि आपको ये सारी चीज़ों की बातों में ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर भी आपको डिसिप्लिन यहाँ पर रहेगी विच इज़ क्वालिफाइड अपॉइंटमेंट मेरिट, यहाँ पर आपको कौन कौन से डिसिप्लिन होंगी वो सारी चीज़ें। आगे चलते हैं, यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट अप्लीकेशन, ठीक है, 15 दिसंबर। मोड ऑफ सेलेक्शंस,
कैसे सेलेक्ट किए जाएंगे आप, यहाँ पर आपको बता दिया गया। यहाँ पर नेक्स्ट है द सेलेक्शंस ऑफ कैंडिडेट्स, वो कैसे होगा। इसी तरीके से आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी होगी। आपको यहाँ पर खुद ही लिख कर दिया गया रहेगा कि कैंडिडेट डज नॉट अप्लाई फॉर द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। नेक्स्ट है, अभी आपको क्या चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए ना, एप्लीकेशन भी आपको यहाँ पर अवेलेबल है, यहीं से स्टार्ट होता है। हाँ देख सकते हैं फॉर्म लिखा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट टू मेरिटोरियस स्पोर्ट्समैन फॉर एम्प्लॉयमेंट टू ग्रुप सी डी सर्विस अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पे फॉर्म टू, अब यहाँ पे फॉर्म टू भी आपको पढ़नी पड़ेगी। स्टेट ऑफ एसोसिएट ऑफ द इन द गेम ऑफ, ये सारी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, हर एक चीज़ें। फॉर्म थ्री है, फॉर्म इस तरीके से फोर है, डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन एजुकेशन सेक्टर स्टेट के लिए। फॉर्म कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, तो ये फॉर्म पढ़ने पड़ेंगे किस चीज़ के लिए यहाँ पर है। एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वायरमेंट, हाँ ये आपके लिए, आप ये पोस्टल इस पोस्ट के लिए यहाँ पर असिस्टेंस के लिए, यहाँ पर जो जो लिखा है असिस्टेंट पोस्टमैन मल्टीटास्किंग स्टाफ अंडर द, ये सारे के लिए चीज़ों के लिए यहाँ पर है आपको अप्लाई करना होगा। ओके ये आपको करने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके फ़ोटो चाहिए, आपके फ़ोटो यहाँ पर स्टिक कर लेने हैं आपको। यहाँ पे आपको बताने होंगे नेम इन फुल ब्लॉक लेटर में, मतलब कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखने होंगे जो भी आपका रहेगा। सारी चीज़ें यहाँ पर कैपिटल में होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे फादर हस्बैंड नेम जो भी रहेगा वो, आधार कार्ड नंबर, परमानेंटली एड्रेस, करेस्पॉन्डेंस, ये सारी चीज़ें आपको दे करके इसे सबमिट करना होगा, ठीक है। पहले तो आपको डाउनलोड करना है, कहाँ से, यहाँ पे प्रिंट निकालने का ऑप्शन है, डाउनलोड करने का भी ऑप्शन है, आप दोनों में से जो चाहे वो कर सकते हैं, बहुत ईजी है। सो अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेज का लिंक मैंने दे रखा है, सो आपको इस पेज पर आ जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।